शुक्राना गुरु महाराज का। हम सब इतने ब्लेस है कि गुरु महाराज सारी संगत को इतनी ब्लेसिंग दे, जैसे सबको दिए वैसे सबके कार्य पूरे करें। इस जो बुरा संबंध निकला है और भी निकल जाएगा। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरे साथ गुरु महाराज कब से, मैं जैसे तो हम कहते हैं कि हम एक साल दो साल, पर हमको क्या पता कि हम कितने सालों से गुरु महाराज के साथ है। हम तो वो दिन ही, ये पुरानी संगत है, ये नई संगत है, कोई पुरानी नहीं है, कोई नई नहीं है। हमको यही नहीं मालूम कि हमको गुरु महाराज ने कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैं एक ऐसी संगत हूँ जो कि मैं कभी भी किसी भी मैं सबके आगे माथा जरूर टेकती हूँ मैं, पर मैं कभी भी किसी को नहीं आज तक इतना नहीं माना कि मैं व्रत रखूं या पंडितों के पास जाऊं, और गुरु का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं गुरुओं के पास जाऊं। तो आज से 12 साल पहले मेरे अंकल को कैंसर से, उनको गुरु महाराज के चरणों में जाना पड़ा। उसके बाद मैं लंदन से गुड़गांव में आई, जहां मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल आधा बिल्डिंग छोड़ गए थे, तो मैंने उसको उनकी इच्छा के मुताबिक उसको कंप्लीट करना था। तो संगत जी, मैं इंडिया गई। जब मैं इंडिया गई तो मैंने अपना अपना जो भी काम था मैं कर रही थी। इतने में हमारे आंटी हैं, वो मेरे को कहते कि तू गुरु जी के तू किसी चलेगी? तो मैंने कहा ये कौन से गुरु हैं, इंडिया में तो हर कोई उठ के गुरु जी बन जाता है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो लंदन से इंडिया आई हूँ, मैं हॉलीडेज पर हूँ, चलो मैं चलती हूँ। तो संगत जी, मैं उनके साथ गुरु महाराज के मैं गई। हमने गाड़ी पार्क की कार पार्क में और हम उतर के आए। तो मैं, मतलब कोई मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं, मेरे लिए तो ऐसे था कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। मेरे पास कोई अटैचमेंट नहीं थी, मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बड़ी, हम फैमिली इसमें है कि हम सबके आगे माथा टेकते हैं, पर जो गरीब हैं, जिसको हमारी जरूरत है, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जहां हमको जरूरत होती है, हम उस गरीब उनका कुछ भी जो हमारे से होता है हम करते हैं। बस इसी टाइप से हमें इस फैमिली के साथ जुड़ी हुई हूँ। जब मैं कार पार्क से उतरी तो हम चल के जब दरबार में पहुंचे, तो जैसे ही मैंने दरबार में रखा पाँव, तो मैंने सोचा कि ये कैसी जगह है, ये तो इतनी शांति, और 12 साल पहले इतनी संगत भी नहीं होती थी। तो वहां पर मैं दरबार में जाके बैठी, तो मैं ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे देख रही हूँ कि ये कैसी जगह है, कि यहाँ कोई बैठा नहीं, ऐसे आसन लगा हुआ है, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, पर मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर संगत जी, हमने वहां पर उस टाइम पर ना कोई बड़ी किचन होती थी, ना कोई बड़ी किचन भी नहीं थी, लंगर हॉल भी नहीं था, सिर्फ छोटी किचन थी तो बाहर थी। तो हमने वहां जैसे दीवार होती है ना, उसके ऊपर बैठ के हमको एक समोसा मिला और एक लड्डू मिला। मैं थोड़ा खाने वालों में मैंने बोला कि ये मेरे को सारा खाना पड़ेगा। तो मेरे को आंटी बोलती कि हाँ तेरे को खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई खाना पड़ेगा, तो मैंने खा तो लिया उसको। पर उसके बाद हम जब वापिस आ रहे थे, तो गाड़ी कार में बैठे हुए मैंने उनको बोला कि ये गुरुजी के बारे में मेरे को बताओ तो सही, क्या कौन से गुरुजी हैं। तो वो आंटी मेरे को कहती कि मैं तेरे को एक बुक दूंगी दिव्या, उसको ना तुम पढ़ के देखना, तुमके गुरुजी के बारे में सब कुछ पता लगेगा। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को वो किताब पढ़ने को दी। तो मैं गुड़गांव में हूँ, तो मैं अपने फ्लैट में रात को बैठी, मैं वो किताब जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस पढ़ी जाऊं, मेरे को ऐसा लगे कि मेरे कमरे में कोई घूम रहा है, और मेरे को इतनी गुलाबों की खुशबू आई, मेरे को नहीं पता था कि ये कहाँ से आ रही है, पर क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस पढ़ रही थी पुरानी संगत का, तो मेरे को ऐसे महसूस हो रहा था कि कुछ है भाई, ये चीज कुछ है। पर मैं फिर भी नहीं जुड़ी। मैंने वहां पर हमारे पश्चिम बिहार हमारे अंकल हैं, मैंने उनसे बात की, तो वो गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने मेरे को एक थैला भर के ना सामान दिया, उसमें गुरु जी का स्वरूप था, बड़े वाला सीढ़ी थी और छोटे छोटे थे। तो
तो मैं डरती उनको लंदन लेके नहीं आई। तो मैंने कहा मेरे बच्चों ने कहना हमारी माँ तो पागल हो गई है। तो मैंने ना छोटा सा जो पॉकेट का स्वरूप है ना वो मैं लेके आ गई और मैंने अपने बेड साइड के लगा लिया। और मैं जैसे जैसे मैंने उस किताब में पढ़ा हुआ था तुम गुरु जी से बातें कर सकते हो, तो मैं ना गुरु महाराज से बातें करने लग गई। मैंने कहा गुरु जी अगर आप हो तो जब मैं वापिस इंडिया आऊं तो आप मेरे को डुगरी बुलाना, मेरे को छोटे मेरे को मंदिर में सेवा भी दिलवाना। तो ऐसे में उनसे रोज बातें करती थी। मैं थोड़ा बहुत माता रानी को भी मानती हूँ, तो मैंने माता रानी का भी जाप करना और गुरु जी का भी करना। ऐसे ही टाइम है क्योंकि मैं लंदन से इंडिया में दो बारी चक्कर इंडिया जरूर लगाती हूँ, क्योंकि मैं हम इतने 60 साल हो गए हम स्टिल मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ। तो जब मैं इंडिया फिर वापिस आई तो मेरी भाभियां मेरे को ना मेरे को कहती चलो बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर दोबारा गई, जैसे मैं अंदर बैठी दरबार के अंदर तो मेरे को इतनी खुशबू गुलाबों की आई, तो मेरे को ऐसे मैं चारों तरफ देख रही हूँ कोई मेरी तरफ देख तो नहीं रहा, जब मैं ही मेरे को ही आ रही है। परंतु मेरे को पता लगा कि हाँ गुरु महाराज हैं, ये कोई चीज है। तो इसके बाद मैं हर मंडे को गुरु में आने लग गई। एक दिन मेरे को किसी ने लिफ्ट ली, तो गाड़ी में मैं बैठी हुई थी तो आंटी ने, मेरे को नहीं मालूम था कि इंडिया में कोई ग्रुप्स भी होते हैं, तो मैंने आंटी से ऐसे बात की, हमने टेलीफोन एक्सचेंज किया। तो वो मेरे को कहती है, मैंने कहा मेरे को तो यहाँ, उन्होंने मेरे को अपने ग्रुप में ज्वाइन किया जो कि गुरु कृपा है दिल्ली में, आप सभी जानते होंगे। तो आंटी ने मेरे को, और देखो गुरु की कैसी कृपा है, जहां मैं गुड़गांव में रहती हूँ, जैसे मेरे को आंटी ने उस ग्रुप में ज्वाइन किया तो मेरे को एकदम मैसेज आता है कि सत्संग सत्संग है। और सत्संग कहाँ है, जो फ्लैट में मैं रहती हूँ राइट अपोजिट सत्संग है। तो मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई, तो मैंने उसी वक्त आंटी को फोन किया, मैंने कहा आपने कभी कल ही मेरे को ज्वाइन किया और जो सत्संग आया वो एकदम जहां मैं एक्सक्लूसिव फ्लोर में रहती हूँ एकदम सामने वाले फ्लैट में है। तो संगत जी ऐसे गुरु जी ने मेरी पहली जो मैं मांग रही थी मेरे को वो हुआ। तो मैं उनके घर सत्संग अटेंड किया। ऐसे वहां सत्संग के अंदर मेरे को एक और आंटी मिली, तो उनको मैंने बताया कि मैं लंदन से आई हुई हूँ और मैं गुरु जी से अभी नहीं जुड़ी। तो उसके बाद आंटी का तीसरे दिन मेरे को टेलीफोन आता है कि आप डुगरी चलोगी। तो मैं तो सरप्राइज हो गई कि मैं गुरु जी से जो बातें करती थी देखो वो मेरे को आ रहा है सच। तो मैं उनको, आंटी ने बोला कि हम दूसरे दिन डुगरी जा रहे हैं आप चलोगी, मैंने कहा हाँ जी चलूंगी। तो हम संगत जी मैं डुगरी भी गई, वहां मैंने जैसे मेरी इच्छा थी गुरु जी के मैंने देखा, बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने कहा देखो कैसे, और इतनी छह संगत थे, इतनी प्यारी संगत थी, उन्होंने मेरा सारा साथ दिया, मेरे को सब कुछ बताया। फिर हम वापिस आए जब वहां डुगरी से, तो मेरे को एक दिन में शाम को गुरु महाराज के मंदिर मंडे को मैं जा रही थी, तो मैं यूजली गाड़ी पार्क कर देती हूँ स्टेशन पर और मैं मेट्रो लेके आती हूँ, वहां से मैं थ्री व्हीलर ले लेती थी। ऐसे ही मैंने किया, तो उस दिन थ्री व्हीलर नहीं मिला, टेम्पो के अंदर मेरे को एक आंटी मिली, भावना आंटी, जिसको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, पर मेरे को ये नहीं मालूम था वो गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते दीदी आप, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा हाँ मैं भी गुरु जी को मानती हूँ। ऐसे गुरु जी उसके साथ मैं रोज मंदिर आने लग गई। उसको हर संडे को छोटी किचन में सेवा करती है, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। उन दिनों ओपन सेवा हुई तो मैंने ओपन सेवा की। उसके बाद संगत जी मेरे को छोटी किचन में सेवा करने का भी गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया। छोटी किचन में मैंने सेवा शुरू कर दी, रोटी प्रसाद बनाना, प्याज का, ये भी मेरी जो तीसरी इच्छा थी गुरु जी ने वो भी पूरी की। तो अब मैं जब लंदन वापस आई तो मेरे को सत्संग कराने का, मैंने कहा मैं भी यहाँ सत्संग कराऊं। लेकिन लंदन में मेरे को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर भी गुरु जी की सत्संगत है। तो मैं सुखी आंटी वगैरह सबको लिखती थी कि लंदन में संगत कहाँ है, पर मेरे को कोई जवाब नहीं। हो सकता मेरा अभी टाइम नहीं था सत्संग कराने का। तो संगत जी मैं फिर इंडिया आई तो वहां सत्संग में मैं अनीता कुमार आंटी को मिली। तो मैंने उनको कहा कि आप मैनचेस्टर से हो तो लंदन में कहाँ है सत्संग। तो उन्होंने मेरे को राखी आंटी जो यहाँ है उनका मेरे को उन्होंने एड्रेस दिया।
बड़े मंदिर से मेरे को मनिका आंटी का एड्रेस मिला। तो संगत जी जब मैं इंडिया से लंदन वापस आई तो मैंने उनको टेलीफोन किया, मैसेज छोड़ा, तो ऐसे उन्होंने मेरे को यहाँ के लंदन संगत के ग्रुप में ज्वाइन किया। फिर वही बात हुई मेरे को, मेरा जो सत्संग थे जो वो सारे हमारे सराउंडिंग है जहाँ मैं रहती हूँ साउथर में, सारे जितनी संगत है ना मेरे चारों तरफ ही रहती है। पांच मिनट की ड्राइव, 10 मिनट की ड्राइव, ऐसे मेरा सत्संग शुरू हुआ। फिर मेरे दिल में आया कि मैंने सत्संग करवाना है। तो संगत जी जो भी मैं डेट कभी भी फिक्स करूं तो वो डेट को ना कोई काम आ जाए, कोई संगत के मेरे घर है, दूसरी के मेरे घर है, क्योंकि मैं नई संगत थी, मैं चाहती थी कि सारी संगत मेरे घर आए। उस वक्त बहुत थोड़ी संगत होती थी यहाँ, मेरे को यही, मैंने कहा चलो गुरु जी की संगत ही सत्संग ही है ना, कहीं भी सुन लो। फिर तम हाँ मेरे को फरवरी में मेरे को गुरु महाराज के मेरे को हुआ सत्संग करने का मौका मिला। इस सत्संग से पहले मैं ये बताती हूँ, एक दिन मैं अपने सोई पड़ी थी, मेरे को ड्रीम में उस दिनों मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी, तो मेरे को ड्रीम में गुरु महाराज आते हैं और हम किसी शादी में घूम रहे हैं और वो रेड चोले में ना सिंहासन पर बैठे हैं। तो मैं उनके पास खड़ी हूँ, मैंने कहा गुरु जी तुसी मैंने कितने लेके आ रहे हो, तो वो ना मुस्कुरा रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ से ना मेरे को एक छोटी सी जैसे होती ना पुड़िया से मेरे हाथ में पकड़ाई। तो जब मैंने कहा ये मेरे को क्या दे रहे हैं, तो मैंने वो पुड़िया को लिया, जब मैंने खोल के देख रहा था उसके अंदर कलीचड़ियां थी जो कि लड़के की शादी में लड़की वालों को दी जाती है। तो मेरे को वो समझ नहीं लगी, मैंने वो पकड़ लिया, मैंने कहा गुरु जी एक ही तुझे मन देता है। तो संगत जी ऐसे ही जब मेरे का सत्संग था, वो मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी, तो गुरु जी ने मेरे को पहले ही दिखा दिया था कि तेरे कुछ वर वो लड़की फॉरेन थी, तो मेरे मन में कुछ डाउट चल रहे थे जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। जब मेरे घर सत्संग था संगत जी, तो उस दिन मेरे घर इतनी संगत आई ना, मेरे को खुद को नहीं पता लगा था कि संगत कहाँ से आ रही है। तो जब वो लड़की हंगेरियन है, तो उसने मेरे को टेलीफोन किया, कहती कहना कम टू द सत्संग एज वेल, ये सत्संग क्या होता है। तो मैंने उसको बोला ऑफ कोर्स यू कैन कम। तो संगत जी वो मेरे बेटे के साथ आई, जब सत्संग चल रहा था पता नहीं कौन सा वो सोफा है, मेरे दूसरे कमरे में सोफा है, वो वहां जाके बैठ गई एकदम दरबार के साथ। तो वो भी कुछ मतलब मेडिटेशन वगैरह करती है, वो इन चीजों में है। तो क्या हुआ संगत जी, जब वो कोई शब्द चल रहा था तो उस शब्द के अंदर वो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गई और गुरु जी उसके पास आके खड़े हो गए। गुरु जी उसको कहते थैंक यू फॉर कमिंग, नॉट इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, नॉट पंजाबी, उसके साथ वो हंगेरियन में बातें करने लग गए। तो उसको जब उन्होंने बोला ना थैंक यू फॉर कमिंग को, तो खुद हंगेरियन नहीं बोलती थी, तो हमारे गुरु महाराज बहुत लैंग्वेज सब लैंग्वेज, क्योंकि वो तो शिव है, वो तो सब कुछ बोल सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर फूलों की बरसती, फूलों की बरसात की, उसको जैसे कडल किया। तो उन दिनों संगत जी एक उसके अंदर और सत्संग है, जो मेरी सिस्टर है उसकी किडनी की ट्रांसप्लांट हो गई चुकी थी अबाउट 5 साल पहले, तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई थी, इन्फेक्शन से वो हॉस्पिटल में दाखिल थी और हॉस्पिटल वाले मतलब कह रहे थे कि इसका कोई चांस नहीं है बचने का। तो संगत जी उस वक्त वो कह रहे थे अमेरिका से कोई दवाई आई है, हम तेरे को ट्रायल पर रखेंगे, पर यू हैव टू साइन दैट, तो इससे तुम जा भी सकती हो और रह भी सकती हो। तो मेरी सिस्टर ने वो चांस लिया और पेपरों पर साइन कर दिया, कहती मैंने जाना तो है ही है, चलो मैं साइन कर देती हूँ। तो उस वक्त जिस वक्त मेरे घर में सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज ने, मैं उस वक्त बहुत रोई जब मैंने अपना शुक्राना गुरु जी से कहा, क्योंकि मेरी बहन क्रिटिकल थी। और इस सत्संग में एक और सत्संग है, क्योंकि मेरी बहन की लड़की को 5 साल से बेबी कंसीव नहीं कर रही थी और उसको 3 दिन पहले उसने IVF करवाया था, वो भी वहीं बैठी थी, गुरु जी ने उसको भी ब्लेस किया जब वो रनाटा को कर रहे थे। तो ये सब वो मेरी होने वाली बहू देख रही थी। जब गुरु जी जैसे उसका ध्यान टूटा तो वो डर के भाग के किचन में आ गई, तो मैंने मैंने उसको बोला व्हाट्स रॉन्ग, कहती आई सॉ योर गुरु जी।
मैंने कहा यू सॉ माय गुरुजी, हाउ कैन यू सी दैट? यस, ही वाज टॉकिंग टू मी इन हंगेरियन. तो मैं स्टन रह गई. मैंने कहा जय गुरुजी, क्योंकि जो जो शक मेरे दिल में थे वो गुरु महाराज ने कैसे निकाले, और मैं उसकी तरफ देखती रह गई. फिर मैंने उसको बोला गुरुजी ने कौन सा चोला पहना था, कहती उन्होंने येलो चोला पहना हुआ था, और उन्होंने युक्ति जो मेरी बहन की लड़की है उसको भी ब्लेस किया, पता नहीं वो फूलों से हमको कर रहे थे, क्योंकि उसको कोई पता नहीं था ना मेरी बहन की लड़की को. सत्संग में जरूर आए थे लेकिन वो गुरुजी के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि सब मेरे को बोलते थे हमारी माँ तो पागल हो गई है, इतनी दीवानी जो किसी भगवान को ना माने आज जो पता नहीं किसको क्या हो गया. तो संगत जी, जब रनाटा को गुरु महाराज ने दर्शन दिए तो मैंने सोचा देखो गुरुजी, गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी उस दिन. और तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल गई संगत जी, तो मेरी बहन की शरीर में सारी नालियां लगी हुई थी, उसको ये भी नहीं पता लगता था कि उसका पेशाब भी निकल रहा है और उसकी नाइटी कहाँ जा रही. पर उस दिन जब मैं गई वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल मेरे से बातें कर रही थी, क्योंकि मैंने उसको गुरुजी की बुक और गुरुजी का पेंडल भी दिया हुआ था, लेकिन वो इतनी होश में नहीं थी कि वो किसी बुक को पढ़े. उसी वक्त डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं मिसेस भूटानी यू आर गोइंग होम, क्योंकि मेडिसिन इज वर्किंग. सो ये गुरु महाराज की लीला है. एक सत्संग में मेरे घर के सारी फैमिली मेंबर को ब्लेस किया गुरु महाराज ने, और हमारी बिटिया जो कि कंसीव नहीं कर रही थी उसने कंसीव किया. अब उसके घर बेटा है, वो 4 साल का हो गया. सो गुरु महाराज कहते हैं ना तुम्हारे भाव अच्छे हों तो गुरु है. जैसे कि मैं तो किसी को मानती नहीं हूँ, अब मैं यही कहती हूँ गुरु महाराज को, क्योंकि ये जो कहते हैं कि मंगल हो गया भूत हो गया, इसको ये ना करो उसको वो ना करो, ये चीजें मेरे को, मैं इस कारण मैं बड़ी दूर रहती थी. पर ये मेरे मॉडर्न गुरु जी हैं, इन्होंने बोला सब खुला, तुम जहां मर्जी उठो बैठो नाम लो, लेकिन तुम्हारे अंदर का पन्ना साफ होना चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो संगत जी मेरे घर पहला सत्संग ऐसे गुरु महाराज ने, कहते हैं ना वो सच्ची बात है, एक घर का मेंबर ज्वाइन होता है सबको ब्लेसिंग मिलती है. इसी तरह मेरे परिवार को गुरु महाराज ने, ऐसे मेरी गुरु महाराज के साथ जर्नी स्टार्ट हुई. इसके बाद मैं आपके साथ एक सत्संग बहुत शेयर करती हूँ कि मेरे को गुरु महाराज ने मैसेंजर आंटी का नाम कैसे दिलवाया. मैं गुड़गांव में थी और उन दिनों गई हुई थी, तो मैं किसी सत्संग में गई हुई थी, तो वहां पर रेणुका आंटी आई हुई थी. मैं गुरु महाराज के ध्यान में बैठी हुई थी, तो मेरे को नहीं पता था, जब भी मैं गुरु सत्संग में बैठती हूँ मैं आंखें मीच के, मेरे को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ. तो आंटी ने किसी संगत को बोला कि ना आशा आंटी को जरा हिलाना. तो मैंने बोला, मैं उठ के, उन्होंने मेरे को बोला, कहती रेणुका आंटी बुला रही है जो गुरु जी की पुरानी संगत है. तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला हाथ खोल अपना. मैंने उनको हाथ खोला और उन्हें मेरे, मैंने सोचा पेंडल रखा होगा, लेकिन संगत जी नहीं, उन्होंने मेरे हाथ में 7 रुपए रखे. मेरे को नहीं मालूम था गुरु महाराज का 7 नंबर है, क्योंकि मैं अभी नहीं जुड़ी थी. तो मैंने जब हाथ खोला मैं कहा आंटी 7 रुपए, कहती जी गुरु जी ने मेरे को बोला ये 7 रुपए है तुमने आशा आंटी को देने हैं. तो और उन्होंने बोला ये मेरी मैसेंजर आंटी है. तो मैं हैरान हो गई. मैंने कहा सच्ची आंटी? उनको मैंने बोला कि मैं तो कल लंदन जाने वाली हूँ. तो उन्होंने मेरे को 500 रुपया और निकाल के दिया, कहते ये लड़कियों को सगन देते हैं ये तुम्हारे लिए. तो संगत जी ऐसे मेरे को, मैं आपको वो 500 रुपया अभी दिखाती हूँ जो मेरे को आंटी ने, यह पुराना 500 का नोट है जो मेरे को आंटी ने सगन में दिया. और गुरु महाराज के 7 रुपए वो हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ. ऐसे मेरे को मैसेंजर आंटी का गुरु जी ने मेरे को दिया. तो अब जब से मैं, पता नहीं मैं क्या मैसेंजर हूँ ये मेरे को भी खुद नहीं मालूम, पर ये नाम मेरे को दिया गया, उसके लिए मैं बहुत अपने आप को समझती हूँ कि देखो ब्लेसिंग इज ऑल राउंड फॉर एवरीबडी है. सच्चे भाव सच्चे दिल करना हो तो गुरु हैं हमारे. गुरु है नहीं, गुरु हमेशा ही है, ये तो बैठे हुए हैं. अब कोई भी संगत मेरे घर में आती है, संगत जी जो यही कहते हैं कि तुम्हारे घर में गुरु जी हैं, और उनको हमेशा किसी ना
किसी ना किसी को महसूस होता है कि मेरे, मैं अकेली रहती हूँ घर में, मेरे अंकल को भी गए 13 ईयर हो गए, आई एम 71। सो जब मैं 40 साल की थी मैं समझती थी मैं, अब मैं 70 की हूँ तो मैं 40 की समझती हूँ। तो अभी मैं सत्संग आपको कोविड के टाइम को शेयर करती हूँ। गुरु महाराज ने मेरे को क्या कुछ दिखाया था टेलीपैथी में, जब कोविड 2 साल पहले शुरू भी नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं था इस महामारी के बारे में। मेरी को सुबह के वक्त गुरु, मैं अपने ना मैं एक दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, ऐसे था जैसे मैं कोई ना आंख खोल के मैं सब कुछ देख रही हूँ। तो जब मैं दरवाजे, मेन दरवाजा है ना, मैं वहां खड़ी थी, जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे घर के आगे ना बहुत बड़ा नाला है, मेरे को आधा गुरुजी ने इंडिया दिखाया आधा लंदन दिखाया। तो मैं जब दरवाजे के बाहर खड़ी थी तो इतना, मैंने दरवाजा खोला, इतना बड़ा नाला जो कि नोएडा में खुले होते ना नाले, उसके अंदर इतना सारा गंद भरा पड़ा है ना, इतना सारा गंद भरा पड़ा है। तो मैं देख रही हूँ उस गंद की तरफ, जब मैं गंद की तरफ देख रही हूँ कूड़े की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड से इतना तेज पानी आता है और वो सारे कूड़े को निकाल के ले जाता है। तो मैं राइट की तरफ देखती हूँ तो सारा कूड़ा निकल गया। इतने में मेरा मेरा भाई यहाँ लंदन में रहता, मेरा कजन ब्रदर, तो वो उस नाले को क्रॉस कर रहा है और वो नाले में गिर जाता है, वो नाले में गिर जाता है। तो उसके बाद मैं उसको देख ही जा रही हूँ, पर उसके बाद मेरे को नहीं पता वो कहाँ गया। तो संगत जी जब मैं राइट हैंड साइड पर देखती हूँ तो बहुत सारी संगत है ना, जब कहीं से आ रही है सत्संग करके, उस आंटियां आ रही हैं और उसमें से एक आंटी है वो सारे मेरे तरफ से निकल रही हैं हंसती हुई। एक आंटी मेरे पास आके खड़ी हो जाती है और उनके माथे पर बहुत लंबा टीका लगा होता है। तो मेरे पास वो आके कहती है कि एक आरती का है, तो मैं उनको कहती हूँ एक गुरुजी का कार है और गुरुजी इतने रेंदे हैं। तो वो मेरी तरफ स्माइल करके ना वो चली गई। उनके जाने के बाद मैं उस दरवाजे से हटके दूसरे कमरे में आती हूँ तो मैं देखती हूँ वो इंडिया का सीन मेरे को दिखा रहे हैं, जैसे कोठियां होती है ना उनके साइड में कार की पार्क की जगह वहां है और वहां मेरे घर सत्संग होके चुका है और मेरे को नहीं पता। और उस सत्संग में मेरा वही भाई जो पानी में गिरा था वो वहां पर है। तो मेरे को गुरु महाराज ने, मैं उसको बोलती हूँ तो कहता आशी तू की खाएंगी, वहां पर जलेबियां थी, बालूशाही थी और क्या कहते हैं समोसा था और चाय चल रही थी। तो वो मेरे को उसने बोला कहती तू क्या खाओगी, मेरे को मेरे लिए जलेबियां रखती जो कि गुरु जी की है। उसके बाद मैंने सोचा तो गुरु जी ने मेरे को क्या दिखाया कि ये महामारी महामारी आई है पर मेरी सारी संगत सेव है, और वो मेरे को उस आंटी के रूप में वो मेरे को दर्शन देके गए। तो ये मेरा ये मेरी कोविड का है, पर इसके कोविड के पहले मैं सत्संग इससे पहले का शेयर करना भूल गई। मेरे को कोविड शुरू होने से पहले 3 दिन तक मेरे को गुरु महाराज लाशें दिखाते थे, एक दिन दिखाई लाशें, दूसरे दिन दिखाई है, दो साल पहले की बात है, जब भी चाइना से हमको मालूम नहीं था कि ये महामारी चाइना से निकली है। जब मेरे को वो लाशें दिखाई तो मैंने सुबह उठ के एक संगत को फोन किया, मैंने कहा मेरे को गुरु जी लाशें क्यों दिखा रहे हैं और ये 3 दिन हो गए मेरे को लाशें दिखाई जा रहे हैं। तो वो आंटी जैसे होता है ना सोचो थी कहीं पता नहीं ऐसे ही होना ये, लेकिन तीसरे दिन न्यूज पर आता है कि चाइना के अंदर वही लाशें दिखा रहे हैं जो एक के ऊपर एक एक के ऊपर है। मैंने कहा यही तो मेरे को गुरु जी दिखा रहे थे कि ये टाइम आने वाला है। सो संगत जी ये मेरी टेलीपैथी थी गुरु स्मारक थे, फिर उन्होंने ये मेरे घर जो सत्संग दिखाया सारी संगत को सेव किया। सो फार हम सब सेव हैं, तो गुरु जी ने बोला कि जो भी मेरी संगत है सब सेव है, ये महामारी आई है अब ये निकल भी जाएगी, दूर हो जाएगी। ये सारी टेलीपैथी मेरे को ये शुरू होने से पहले गुरु महाराज ने दिखाई थी और मैंने ऐसे देखी थी जैसे मैं किसी किताब को पढ़ रही। और ये टेलीपैथी मेरे साथ गुरु जी करते ही रहते हैं, जब भी मेरे को कोई याद आता है गुरु जी का तभी ऐसे ही मेरे को हुआ। मैं हमारे यहाँ 2 साल पहले बहुत था कि हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते बिकॉज ऑफ द एज, हम बिल्कुल अलाउ नहीं थे। तो मैं गुरु जी के टेलीविजन में रो रही हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज अब देखो मैं इंडिया भी नहीं आ सकती, यहाँ भी सेवा नहीं कर सकती,
आपने तो, मैंने कहा हमको ना बस बंद कर दिया, अब कुछ तो करो ना। तो संगत जी मैं ना शॉपिंग के लिए गई बाहर, हमारे लिए एक दिन होता था वेनसडे, तो मैंने सोचा कि मैं ना चलो समोसे लेके जाती हूँ। तो संगत जी मैं यहाँ हमारे दुकान है, मैं समोसे लेने गई तो वहां एक अंकल खड़े हुए थे, जो उन्होंने ना वो खड़े हुए थे, पता नहीं क्यों मैं उनकी तरफ देखने लगी, वो यंग से थे तो वो दुकान के अंदर गए, उनके पीछे मैं भी गई हूँ। तो उनको अंकल बोलते हैं कि आपके लिए ना 70 समोसे रेडी हैं। तो मैं पीछे मुड़ के मैं भी सोचती हूँ इस सारा कुछ लॉकडाउन में है तो 70 समोसे कहाँ लेके जा रहा है। ये मेरे दिल में भाव आ रहे हैं, मेरे को अंदर से गुरु जी कहते हैं अनुपुछ अनुपुछ। तो मैं सोच रही ठीक है यार अनुपुछ अनुपुछ। तो बिफोर आई मैं उसको, मैं कैसे पूछूं, वो कहेगा आंटी मैं 100 लूं या 70 लूं तुम कौन होती हो पूछने वाली। पर ऐसा नहीं हुआ, वो मेरे को पहले ही कहने लगा कि आंटी ये समोसे ना मैं हम नर्स हॉस्पिटल में, क्योंकि सारी कैंटीने बंद हैं तो हम लोग ना ये समोसे हम रोज ना उनको लंगर प्रसाद देते हैं तो डिलीवर करते हैं, उसके साथ मैंने सोचा आज समोसे दे दें। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो मेरे हाथ में जो भी था मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा चल मेरे लिए ये, इसमें मेरे लिए भी डालो। कहते आर यू श्योर आंटी, मैंने कहा हाँ जी। तो संगत जी जब मैं रास्ते में ड्राइव करके आ रही हूँ तो मैंने सोचा, उसने मेरे को अपना टेलीफोन नंबर दे दिया, तो मैंने सोचा मैंने उसे सेवा क्यों नहीं मांगी, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जैसे मैं घर में आई मैंने दबा फोन उठाया और मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बेटा मेरे को कोई सेवा है मेरे लिए। तो वो मेरे को कहता हाँ आंटी क्यों नहीं मिलेगी आपको सेवा, मैं जरूर दूंगा, मैं एक दो दिन में फोन करता हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, उसका दूसरे दिन फोन आया मेरे को, क्योंकि मैं यूके कैंसर रिसर्च की वॉलंटरी हूँ पास 13 ईयर से, मैं मंडे और थर्सडे वहां सेवा करती हूँ। तो वो अंकल मेरे को फोन करके पूछते हैं, कहते आंटी आप रोटी प्रसाद बनाओगी। मैंने कहा हाँ मैं जरूर बनाऊंगी। कहते नर्सिस बहुत खुश हो जाएंगी क्योंकि मतलब वो चावल और दाल देते हैं, अगर आप रोटी की सेवा कर दोगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं जरूर बनाऊंगी। तो वो कहते आंटी आपको कौन सा दिन चाहिए। मैंने कहा अरे सातों दिन अंदर तो बैठे हुए हैं, सारे दिन एक बराबर ही है, कोई भी दिन दे दो। तो संगत जी उन्होंने कौन सा दिन दिया, मंडे एंड थर्सडे। तो मैंने सोचा देखो जय गुरु जी, मंडे एंड थर्सडे, मंडे भी गुरु जी का दिन है, थर्सडे साईं बाबा का दिन है, और वही दिन मैं काम करती हूँ। उन्होंने मेरे को बोला 80 नर्सिस के लिए 160 रोटी तुमने बनानी है और मैं 10 बजे लेने आ जा करूंगा, तो आप ये रोटियां बना। मैंने कहा ठीक है, मैं तो 160 क्या तो 200 भी जाएगा मैं बनाऊंगी। तो संगत जी ऐसे मैंने उनकी, जब तक कैंटीने नहीं खुली वो मेरे को, हम बाहर तो नहीं निकल सकते, मेरे घर से वो रोटी प्रसाद लेके जाते थे और नर्सिस को देते थे। ऐसे गुरु महाराज ने फिर मेरे को ये सेवा बख्शी और मैंने वो सेवा की। मेरे हाथ टेढ़े हैं क्योंकि मेरे को आर्थराइटिस है, लेकिन संगत जी मेरे हाथों में कोई दर्द नहीं है। जब भी मैं सेवा करती हूँ मेरे को कोई दर्द नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, इतनी कृपा है गुरु महाराज की। तो मेरे को देखो रोटी प्रसाद की सेवा लॉकडाउन में मिली। फिर एक दिन मैं कहती हूँ गुरु महाराज को, मैंने कहा सारी पुरानी संगत आपके ना पांव दबाती रहती है, आज भी अगर मैं भी होती तो मैं भी आपके पांव दबाती, मेरे को भी ये मेरे हाथ वाथ सीधे हो जाते। तो क्या हुआ, ये मैं उनसे सपने में बातें कर रही हूँ तो दूसरे दिन मेरे को फिर सपना आता है, सुबह गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं उनके पांव में, मैं उनके नीचे उनके चरणों में बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहते हैं फड़ा अपना हाथ, मैंने कहा फड़ा अपना हाथ, मैंने हाथ दिया, कहना दूजा भी दे, मैंने दूसरा भी दिया और गुरुजी मेरे दोनों हाथों को दबाने लग गए। तो मैं देख रही हूँ ये सेवा तो मैंने करनी थी या आप मेरे हाथ दबाने लगी, पता नहीं मेरे कौन से वो कष्ट काट रहे थे क्या था। तो संगत जी ऐसे मेरी जर्नी गुरु महाराज से शुरू हुई और मैं करती रही, अब तक भी बहुत सत्संग है, मैं फिर कभी शेयर करूंगी। अब मैं इतना कह के शुक्रिया अदा करती हूँ आंटी, और भी करो आंटी। हाँ हले 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 तो सुनिए कुछ नहीं, पंडाल है बट्टी वाला सुनाओ, बतेरे सत्संग ने थोड़े था, बिना पेट्रोल दे गड्डी चली सी। ओहो यह तो हुंदा ही
दसो ना बड़ा हले तो शुरू होया महासमाधि वाले दिन की गल है लास्ट किसी दो महीने पहले की बात है जब तो मैं हमने ना यहाँ 3 दिन का खंड पाठ रखा हुआ था गुरु महाराज की याद। तो जब दूसरा दिन था तो मैंने कहा मैं गुरुद्वारे में जब गई तो हम क्या कहते समोसा प्रसाद लेके गए तो वहां सुखमणि साहब का पाठ हो रहा था। तो वो आंटियां जैसे कहते ना खुशबू आ जाती जब समोसे की तो उनको भूख लगाई। तो भाइया जी कहते हैं वो कहते हैं कि ये जो समोसे है ना आप इनको दे दीजिए मतलब हम और मंगा देंगे। मैंने कहा हमने कहा कोई बात नहीं दो इनको हम और ले आते हैं। तो मेरे साथ एक आंटी थी वो कहती चलो आंटी हम ना साउथ अब्रॉड सैटरडे का दिन का चलो हम और ले आते हैं। मैंने कहा चलो और किसी ने जलेबी भी बोला था वो भी ले आते हैं। मैंने कहा चलते हैं। तो संगत जी जब मैं हम लोग सड़क के पार मैंने गाड़ी पार करके मैं बैठ गई और वो गई दूसरी तरफ। कोई ना हमको हॉर्न मारी जा रही है संगत जो पासिंग बाय थे पर हमने नोटिस नहीं किया। मैंने सोचा मेरी गाड़ी टेढ़ी खड़ी है ना इसलिए ये मेरे को हॉर्न मार रहे हैं। तो फिर हमने वहां से जलेबियां ली और थोड़ी 15-20 मिनट के ड्राइव पर हमें समोसे लेने थे तो हमने समोसे लिए। समोसे लेके मैं गुरुद्वारे आ गई वापस। तो मैंने पलकों सेवा करने लग गई जो पिलाते हैं बाबा जी की भीड़ के पीछे। 2 घंटे तक मेरी गाड़ी खड़ी रही। मेरे को नहीं मालूम था कि मेरा टायर पंचर है तो मैं करती रही गाड़ी मेरे को फिर भी पता नहीं। रात के 8 बज गए तो मैंने एक आंटी को मेरे साथ आई थी उनको घर उतारा। जब मैंने घर उनको उतारा तो वो मेरे को कहती हैं कि तो मैंने देखा मेरा स्टेरिंग भी नहीं हिल रहा सब कुछ ठीक है। तो उस वक्त मेरे को महसूस हुआ कि मेरी स्टेरिंग थोड़ा हैवी लग रहा है क्या बात है। तो मैंने सोचा कि हो सकता हवा कम हो गई टायर में। तो मैं उनको उतार के शाम को 8 बजे मैं पेट्रोल स्टेशन पर गई और मेरे को हवा भी नहीं डालनी आती। एक अंकल ने मेरी हेल्प की तो वो कहती आंटी आप कितनी दूर रहते हो। मेरे को पास में ही हो कहते गो स्ट्रेट होम तुम्हारा टायर पंचर है। तो मैंने कहा टायर इतना पंचर हो गया। तो मैं घर आई सुबह देखा तो टायर एकदम फ्लैट। और जब मैंने दूसरे दिन जो आंटी मेरे साथ थी ना मैंने उनको फोन किया मैंने कहा ये टायर कहती तभी आंटी सामने वाले दूसरी तरफ के लोग आपको हॉर्न मार रहे थे वो कह रहे थे कि आपका टायर पंचर है और आप इसीलिए वो हॉर्न मार रहे। तो मेरे को भी नहीं पता लगा कि गुरु महाराज ने उनको कहने का मौका ही नहीं दिया कि मेरे को बोले कि तुम्हारी हवा कम है या उनको आंटियों को ब्लैंक कर दिया। तो फिर क्या हुआ मैंने कहा मैं क्योंकि मैं तभी जानू अगर मेरा स्टेरिंग हिले जा क्योंकि जब तुम्हारा टायर पंचर होता है तुम्हारा स्टेरिंग हैवी हो जाता है और वो दूसरी तरफ जाने लग जाता है। कोई ऐसा गुरु जी ने मेरे को नहीं दिया। उनको पता है कि ये सेवा मैंने करनी है और ये सेवा पूरी करने के बाद उन्होंने मेरे को महसूस कराया। सारी संगत को मैंने उनके घर पहुंचाया तब मेरे को लगा तो मेरा टायर थोड़ा है। तो जब मैं सुबह टायर बदलाने गई तो वो कह रहे हैं जिस जगह से हम हवा डालते हैं ना पाइप वो उड़ गया। वो कहते हैं कैसे हवा कैसे भरोगे तुम्हारे। और संगत जी वो मेरा टायर भी बिल्कुल ठीक है सिर्फ 2 पाउंड के अंदर वो उन्होंने पाइप डाल दिया और मेरा टायर वैसा का वैसा मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा है। तो गुरु महाराज जब उन्होंने सेवा लेनी होती है ना वो अपने संगत की बहुत बहुत लुक आफ्टर करते। नहीं तो मेरे तो धजियां उड़ जानी थी टायर तो क्या इधर कटाया जाना था सब कुछ लेकिन मेरे को नहीं मेरे को मालूम भी नहीं होने दिया। मेरा स्टेयरिंग भी कर दिया मेरे को घर भी पहुंचा दिया संगत की सेवा भी पूरी करा दी और गुरुद्वारे की भी सारी सेवा मेरे से पूरी करवाई। ये हमारे गुरु जी हैं यही हमारे मॉडर्न गुरु जी हैं जो कि मैं हमेशा यही कहूंगी क्योंकि मॉडर्न गुरु जी इसे मॉडर्न गुरु जी क्या कर सकते क्या। गुरु जी बहुत बहुत महान है। गुरु जी की तो अभी मैं अपने एक बेटे को कैसे बचाया गुरुजी ने मेरे के बेटे को। मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन है ट्राइथलोन है वो करते हैं जैसे पहले स्विमिंग करते हैं फिर वो बाइसिकल चलाते हैं फिर वो रेस होती है वो 3 गेम्स एक साथ है उनकी। वो बहुत सालों से करता है। वो ना ट्रेनिंग पर था तो वो ना सुबह 5 बजे वो ड्राइव करने को गया मतलब अपनी ट्रेनिंग के लिए बाइक पर पीछे से इतना बड़ा सारा एक ट्रक आता है जो कि पोस्ट ऑफिस का था। इतना लंबा ट्रक था कि
कि वो मेरे लड़के के एकदम साथ में जुड़ गया और वो कह रहा था मम आई कैन फील द ट्रक, इतना क्लोज था और इस तरह मेरे दीवार थी, ना तो मैं इधर हो सकता था ना मैं उधर, पता नहीं क्या चीज थी जो कि मैं बाइक पर ऐसे बैठा था जैसे कोई ना स्टैचू बैठा है, पर वो ट्रक उसको उड़ा के ले जाता, वो इतना नजदीक था ही कि मैं ना उसको डर गई जब उसने मेरे को सुबह बताया, मैंने कहा मेरे को मालूम है तेरा गेम्स, तो मैं डर गई, मैंने कहा जय गुरु जी। पर संगत जी क्या हुआ, दूसरे दिन गुरु जी मेरे को ड्रीम में आते हैं सुबह 5 बजे, ये सब कुछ मेरे को ड्रीम में दिखाते हैं, तो मैं ना एक बड़ी सारी सड़क पर खड़ी हूँ और इतने बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं और मैं जब भी क्रॉस करने की कोशिश करती हूँ मैं पीछे हट जाती हूँ, डर जाती हूँ। तो इतने में पीछे से कोई एकदम गुरु जी की तरह एकदम बोल्ड अंकल आते हैं और वो सड़क को क्रॉस करके चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। मेरे घर में जो मेरे गले में जो गुरु जी का लॉकेट है ये ऐसे ही था, ये नीचे गिरा हुआ होता है, तो वो मेरे को उठा के ना मेरे हाथ में देते हैं, तो मैं कहती हूँ मैंने मेरी लॉकेट तो मेरे गले में था, ये जमीन ये फ्लोर पर कैसे गिर गया। तो उन्होंने मेरे को हाथ में देखे और मेरी तरफ देख के वो गुरु जी थे, और वो मैंने कहा ये कौन हो सकते हैं अंकल, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे को कहीं नजर नहीं आए, तो मेरे को गुरु जी ने आके बताया जो तेरा बेटा था उसको मैंने कल उनको उसको बचाया, और उन्होंने ये मेरे को दिखाया ये लॉकेट तो मेरे गले में था ये कैसे गिर सकता था नीचे, लेकिन ये उनका साइन था बताने का कि मैं था, सच्चे भाव सच्ची भजन गुरु जी हैं, गुरु जी थे, गुरु जी सब हैं, हर वक्त है।